Welcome to SD Inceptions, your pet channel. I am at Salman's exotic pet store located at Jogeshwari. हमारे साथ सलमान भाई है. हाय सलमान भाई. हेलो सर. सो सलमान भाई, लास्ट वीडियो में हमने सन कॉन्योस कवर किए थे आपके. इस वीडियो में हम ये बर्ड कवर कर रहे हैं. सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपसे, क्या नाम है इसका? दिस इज कॉल्ड अ हैंड्स मकाओ. हैंड्स मकाओ. HANS हैंड्स मकाओ. ओके. आल्सो नोन एज रेड शोल्डर मकाओ. ओके. आगे बढ़ने से पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कुछ ऐसे साउंड कर रहा है उसके बारे में जानना चाहूँगा. तो ये एक्चुअली अभी छोटे बच्चे हैं, 2.5 months के. ओके. और ये बेबी साउंड है. ओके. व्हेन यू फीड द बेबी विद अ बेबी फॉर्मूला दे मेक दिस साउंड. ओके. और अभी इनका खाना खिलाने का टाइम है. ओके. सो दे आर मेकिंग दैट साउंड टू, दे आर बेगिंग फॉर फूड एक्चुअली. ओह ओके. दीज आर अराउंड 2.5 months ओल्ड. ओके. क्लीन बर्ड्स, गुड फेदर कंडीशन, लोकल ब्रेड, कैप्टन ब्रेड. ओके. मकाव की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में रहता है मकाव से बड़ा होता है. जी जी. सो जस्ट टू टेल यू द फैक्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल मकाउस. ओके. जितने भी मकाव से सबसे स्मॉलेस्ट साइज इनका है. इन मकाउस का आपके कैमरे में बोल गया, तो कोई बात नहीं. हाँ मेरा बच्चा जी. और दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन टॉकिंग ऑल्सो. ओके. मतलब स्मॉल साइज बर्ड में गुड टॉकिंग एंड अ मकाव, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी अच्छा. वेरी व्हाट डू यू से, एक छोटे पैकेज में बहुत सारी क्वालिटी. जी 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 जी. तो इनके हैबिटेट के बारे में बात करें, कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? फाउंड इन द नॉर्थन साउथ अमेरिका. ओके. नॉर्थन साउथ अमेरिका. इन द वाइल्ड दे आर फाउंड इन बोलिविया, वेनेजुएला, पेरू, ये सब जगहों पे पाए जाते हैं. ओके. और ओके. तो फूड की बात करें, जैसे मकाउस को लगता है वो वही फूड उनको भी लगता है? नहीं, बड़े मकाउस जो होते हैं जी उनको फैट कंटेंट ज़्यादा लगता है जी. बट नॉट सिमिलर फॉर दीज बर्ड्स. ओके. दीज आर स्मॉल साइज बर्ड्स, दे मंच मोर ऑन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, कॉर्न. और हम इनको एक स्पेशल काइंड का ऑयल आता है विच वी गिव देम इन वेरी लेस क्वांटिटी फॉर गुड न्यूट्रिशनल ग्रोथ ऑफ द बर्ड. अगर आप जो फेदर्स पे जो शाइन देख रहे हो जी, वो उसी ऑयल की वजह से है. इसी तरह कई चीज़ें एक बर्ड के अंदर डाली जाती है टू गिव दैट ग्रोथ एंड लुक एंड ब्यूटी टू द बर्ड. ओके जी. तो इनकी अगर हम केज की बात करें तो इनको कैसा केज लगता है? सी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बर्ड को एक हॉरिजॉन्टल केज दें, नहीं तो एक वर्टिकल केज. जितना हॉरिजॉन्टल केज लंबा होगा उतने बर्ड को फ्लाइट लेने में आसानी होगी और उसकी एक्सरसाइज होगी. ओके. अब मिनिमम 2 feet का केज इज गुड इनफ फॉर द बर्ड टू टर्न अराउंड, मूव अराउंड, फ्लैप, एक्सरसाइज एंड बी हैप्पी इन द केज विद लिटिल बिट ऑफ टॉयज. ओके. तो 2 feet का केज जी इज अ गुड थिंग फॉर अ स्मॉल मिनी मकाउ लाइक दिस. तो केज के बाद अगर एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हाउ आर दिस बर्ड्स एज पेट्स? अगर ये घर में इनको हम पेट्स के तौर पे रखें तो कैसे है ये बर्ड्स? दे आर वेरी फन लविंग क्लाउन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. ओके. वेरी मच अटैच टू ह्यूमंस और दे लव टू बी लाइ ऑन द बैक, उल्टा होके सोते हैं. ओके. इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं. अच्छा. और बेस्ट पार्ट ये है, छोटी साइज में टॉकिंग बर्ड है. Okay. जो दूसरे बर्ड्स में आपको नहीं मिलेगा. जी जी. दूसरे बर्ड्स बात करते हैं बट हैंड्स मकाओ आर मच मोर ऑफ अ गुड टॉकर. जी जी. यू कैनॉट कंपेयर टू एन अफ्रीकन ग्रे. ओके. बट देन कई बर्ड्स बोलता है लेकिन इतना साफ नहीं बोलता ग्रे की तरह. ओके. बट टॉकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है दूसरे बर्ड्स के कंपेरिजन में. ओके. Okay. जी. तो सलमान भाई, ये बर्ड जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्रीली एकदम बैठे हुए हैं जी, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसा होता है ये? बेसिकली आपको एक बात बताऊं, देयर आर 2 types ऑफ बर्ड. ओके. एक होता है वाइल्ड बर्ड एंड एक होता है टेम बर्ड. टेम बर्ड. ओके. वाइल्ड बर्ड मींस अ बर्ड व्हिच इज इनसाइड द केज. ओके. व्हिच डजंट लेट यू टच, व्हिच हैज फियर ऑफ यू व्हेन यू ट्राई टू टच देम. ओके. और एक होता है टेम बर्ड. नाउ टेम बर्ड मतलब वो बर्ड जो बचपन से हैंड रेस किया गया हो ह्यूमन से और उसको ह्यूमन से फियर नहीं होता है. ओके. यू कैन टच देम, यू कैन प्ले विद देम, यू कैन होल्ड देम द वे यू वांट. ओके. कैसे भी आप बर्ड को हाथ लगाओ उसको फियर नहीं होता ये बर्ड का. ये देखो. और जब सलमान के बर्ड की बात करते हो जी, तो टेमनेस के अंदर तो लेवल ही अलग है. ओके. मतलब आप कुछ भी कर लो बर्ड के साथ,
बर्ड कुछ नहीं करेगा जी, सुपर टेम बोलते हैं हमको। ओके क्या हो गया? हाँ खाना देगा। सो इट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर अ बर्ड गेट्स टेम्ड राइट, क्योंकि बर्ड बचपन से ही टेम होता है। ओके बड़ा होके जब बर्ड को कोई टेम करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेंड पैरेट। ओके और टेम उसे कहते हैं जो बचपन से आप उसको रेस करते हो। ओके और आपके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी होती है। ओके या सो सलमान भाई, इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें आपके स्टोर में तो कि अवेलेबल होते हैं आपके? ऑन एंड ऑफ हैंड्स मकाओ आते रहते हैं। ओके बट प्री ऑर्डर्स में भी हम मंगाते हैं और अवेलेबल होता है तब तो रहता ही है। ओके बट आई वुड रेकमेंड पीपल हु वांट टू गो फॉर अ स्मॉल साइज बर्ड बट अ टॉकिंग बर्ड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्राइसिंग, नॉट गोइंग फॉर एन एक्सपेंसिव बर्ड, देन हैंड्स मकाओ इज द राइट चॉइस। ओके प्राइस कम है, स्पेस कम लेता है, बर्ड का साइज छोटा है, चिल्लाता नहीं है और डिपेंडेंट बर्ड नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंट कि उसको इतना एनरिचमेंट चाहिए। ओके तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं भी देते हो तो ऐसा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बर्ड को नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग अ बिट ऑफ टॉयज हियर एंड देयर विल डू द जॉब। ओके सो फाइनल थिंग, इनकी प्राइस के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? प्राइसिंग, वी आर सेलिंग दीज बर्ड्स राइट नाउ एट द प्राइस ऑफ 37,000 रुपीज। ओके एंड फॉर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9920777055। ओके जी, सो दिस वॉज द हांस मकाव जी एट सलमान्स एक्सॉटिक पेट स्टोर। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर टेलिंग अस अबाउट दिस मकाउस। सो ये था आज का वीडियो अबाउट द हांस मकाउस। यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो डू द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।